हेलो फ्रेंड्स, द फूड टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा की आहार में दूध एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध से ही हमें कई जीवन आवश्यक विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, बी विटामिन, विटामिन डी, फॉस्फोरस, पोटेशियम इत्यादि, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। पर हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि दूध के भी दो प्रकार होते हैं, A1 मिल्क और A2 मिल्क। आजकल ये A2 मिल्क पूरी दुनिया के डेयरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। पर आखिर ये A2 मिल्क होता क्या है और क्या अंतर है A1 और A2 मिल्क में, तो आज के इस फूड टॉक के एपिसोड में हम इन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे और थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। सामान्य तौर पर देखा जाए तो गाय का दूध प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इस प्रोटीन के दो प्रकार होते हैं, वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन। इस केसीन प्रोटीन के भी दो प्रकार होते हैं, A1 बीटा केसीन और A2 बीटा केसीन। और इन्हीं दो प्रकारों के चलते दूध के भी दो प्रकार होते हैं, A1 मिल्क और A2 मिल्क। तो ये A1 और A2 मिल्क मिलता कैसे है? A1 या A2 दूध देना ये गाय के जेनेटिक्स पे निर्भर करता है, इसलिए A1 टाइप का दूध A1 टाइप की गाय देती है और A2 टाइप का दूध A2 टाइप की गाय देती है। पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ज्यादातर A1 और A2 मिक्स या सिर्फ A1 प्रकार का दूध ही मार्केट में मिलता है। A2 टाइप के दूध का कंजम्पशन बहुत कम होता है। A2 टाइप का दूध प्राचीन या देसी गायों से या फिर ईस्ट अफ्रीका में मिलने वाली गायों से पाया जा सकता है और A1 प्रकार का दूध ज़्यादातर हाइब्रिड गाय देती है। रिसर्चर्स की माने तो A2 मिल्क A1 मिल्क से ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसा देखा गया है कि A2 मिल्क डाइजेस्ट करने में A1 मिल्क से काफ़ी हल्का होता है और इसे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग भी आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट वो लोग होते हैं जिनको दूध में बसे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आसानी से कंज्यूम नहीं कर पाते। ऐसा देखा गया है कि A2 दूध में प्रोलिन नामक एक खास प्रकार का एमिनो एसिड होता है जो A1 दूध में नहीं पाया जाता। A1 दूध में पाए जाने वाले एमिनो एसिड को हिस्टिडीन कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि A2 दूध में मिलने वाला ये प्रोलीन BCM7 को हमारे बॉडी में पहुंचने से रोकता है। पर ये BCM7 होता क्या है? BCM7 यानी बीटा केसोमॉर्फिन 7, ये एक प्रकार का ओपियोइड पेप्टाइड होता है जो हमारे बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। इस BCM7 की वजह से कई सारी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज या हार्ट डिजीज होने की आशंका रहती है। और इस BCM7 की मात्रा A1 प्रकार के दूध में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए कुछ रिसर्चर्स A2 मिल्क को A1 से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पर इस सब विषय में अभी भी रिसर्च जारी है और ये अभी भी एक चर्चा का विषय है। आजकल कई सारी कंपनीज सिर्फ A2 मिल्क का बिजनेस करती हैं, जिसमें न्यूजीलैंड स्थित द A2 मिल्क कंपनी ये सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका ज़्यादातर बिजनेस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, USA और UK में होता है। इसलिए आजकल दुनिया में A2 मिल्क ये एक उभरती हुई इंडस्ट्री मानी जाती है। लेकिन इस A1 और A2 मिल्क के ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है और ये अभी भी एक बड़ी चर्चा का मुद्दा है। तो दोस्तों, ये थे A2 मिल्क के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा और A1 और A2 मिल्क के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।